हम भगवान चंडीश्वर की पूजा ग्रहण कर रहे हैं। इस मंत्र को पढ़ने से शांति प्राप्त होती है। अरे पंडित जी, हमारे पेट में ज्ञान भारती पड़त है, मगर ये शांति जी कहाँ से आएगा? मूर्ख व्यक्ति, यदि तुमको ज्ञान यानी तालीम तथा समझ नहीं है, तू तो उद्वानों से उसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करता? यदि अगर तुम्हारा प्राण इसी मूर्खता में स्वाहा हो गया तो अवश्य नरक में जाओगे। अरे पंडित जी, नरक भुजत है, नरक में हम तो नहीं जाए, भुजल बनो। देखो मित्रों, तुम पर क्रोध यानी गुस्सा आक्रमण हो गया है, अब तुम्हारी बुद्धि उचोट हो गई है। अब हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो, हम तुम्हें श्री भगवान की वाणी बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई अपनी और हमारी इच्छा से यात्रा करता है, हम उसको मुक्ति देते हैं और वो सदियों के लिए स्वर्गवास हो जाता है। तुम ईश्वर का आज्ञा अनुसार चलने की चेष्टा करो, अवश्य तुम स्वर्ग में जाओगे। हमारे 36 करोड़ भगवान है, कोई ना कोई जरूर तुमको स्वर्ग दिला देगा। अरे मैया मेरी, तुम्हारे 36 करोड़ भगवान का भला हत्या हत्या कहीं भगवान होता है? हम तो सुनत रहे के खुदा या भगवान एक बात है, दो ही नहीं। देखो बालक, ये लोग तुमको अंधकार में रखे हुए हो, इसी कारण समझते हो कि भगवान केवल एक है, परंतु हम तुमको समझाते हैं कि वही भगवान अनेक रूप धारता है और इस धरती और जीवती को नूर से भर देता है। आधारण और मिसाल देख लो, जो वही भगवान तुम्हारा काबा है और वही हजरे अस्वद है, भगवान सम्मान महर्षि मोहम्मद साहब है। तुम्हारी बुद्धि खुली की नहीं? अरे ऐसा कैसे हुई, काबा हमारा भगवान नहीं है बा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रसूल है तन भगवान नहीं है? देखो बालक, जब तुम मक्का मुअज्जमा जाते हो तो काबा की पूजा करते हो या नहीं, ऐसे ही हजरे अस्वद को चूमते हो या नहीं, इससे तुमको ये बात भी मालूम होगा कि तुम्हारी किताब के अनुसार मोहम्मद साहब का नूर प्रकाशित हुआ और इस नूर से जो जुदा हुआ वही खुदा हुआ। अरे पंडित जी, इतनी बात तो हमारे मुल्क सब नहीं बदला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा हमारे मुल्क सब कहते हैं। देखो बालक, तुम्हारे और हमारे धर्म में कोई अंतर नहीं है, जो राम है वही रहीम है, जो बजरंग वली है वही हजरत अली है, जो मुहर्रम है वही राम नबी है, जो 40वां है वही हनुमान चालीसा है। तुम्हारे यहाँ इब्राहिम सबका दादा है तो हमारे यहाँ पर हमारा सबका दादा है, तुम्हारे यहाँ फातिहा का तबर्रुक है तो हमारे यहाँ भगवान का चढ़ावा हुआ प्रसाद है, तुम्हारे यहाँ शबे प्रात का दीप है तो हमारे यहाँ दिवाली का दीप है, तुम्हारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है तो हमारे यहाँ गणपति और राम लीला का जुलूस है। इसी तरह जरा तीर्थ स्थान यानी सियारत का भी सुन लो, तुम्हारे यहाँ अजमेर है, कंगोर है, दिल्ली का नसामुद्दीन है, कलकत्ता का सैयद बाबा है, बाराबंकी का देवा शरीफ है तो हमारे यहाँ बाबा धाम है, हरिद्वार है, गंगोत्री है, मेहर का दुर्गा आस्थान है, फैजाबाद का राम जन्मभूमि है। अरे पंडित जी, तो हर बात तो हमारे मजहब से मिलत है, तो फिर क्या सोच रहे हो, आओ हमारा दम स्वीकार कर लो, इसी में मंत्रशाला है। अच्छा अच्छा, हम जरा सोचा था, तनिक मेहनत दे दो। मेरा नाम अबू शर्मा बिन नौशाद आलम है, मैं दारुल उलूम अमूर का छात्र हूँ। पंडित जी, आपसे थोड़ा मदद बुला होना चाहता हूँ। कहो बालक, तुम्हारी क्या कठिनाई है, तुम्हें क्या कष्ट है, हम तुम्हारी सरलता की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपने देहाती आदमी को फंसाने के लिए जितनी सारी बातें कही है, उसमें से 2-4 बात के अलावा सारी बात के बारे में अवश्य कह सकते हैं, ये सारी बात बड़ा की बात है, कारण है कि इसमें कोई जान नहीं, समझे कि ना समझे गुरुवार। देखो मालूम, तुम भी उसी व्यक्ति की तरह अनुभवत हो, तुमको इतनी ज्ञान की बात समझ में ना आई, क्या हमने वो सारी बात गलत कही है? जी हाँ, हरगिज नहीं, जी हाँ, इसमें कोई सनद ही नहीं है, कोई शक नहीं, अलबत्ता आपने राम रहीम को एक बताया, मगर आपको मालूम नहीं, रहीम एक अपार शक्ति वाला है, उसकी कुदरत बेमिसाल है, वो जो चाहे सो कर सकता है, मगर तुम्हारा राम ऐसा लाहनचार है, उसको 14 साल बनों के सेल में गुजारना पड़ी और कुछ न कर सका, सीता को छुड़ाने बंदरी फौज की आवश्यकता हुई, तुम्हारा राम खाता है, पीता है, हंसता बोलता है, वह क्या भगवान है, तुम्हारा राम बीवी से मिलता है, क्या यही भगवान की शान है? बोलो मालिक, तुम
तुमने अपनी मूर्खता में हमारी राम की धज्जी उड़ा दी। क्या वो बातें सही नहीं है जो मैंने उस व्यक्ति को बताया है? नहीं, तुम्हें हमारे धर्म की मिसाल जितनी दी है वो सब गलत है। सिवाय मक्का मदीना और काबा हजरत के तसल्लुक लोग पंडित महाराज, काबा हमारा भगवान नहीं है। और काबा क्या हमारे धर्म है? काबा के ऊपर चढ़कर और उसके अंदर इबादत करना जायज है? सही है। अगर वो भगवान होता तो क्या भगवान पर चढ़ जाते? अगर चढ़ भी गए तो फिर किस भगवान को पूछा गया? असल बात यह है कि काबा हमारा भगवान नहीं है। और हजरत सद की बात साफ सुथरी है कि हमारे बड़े महात्मा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने साफ साफ कह दिया, ए हजरत सद, तू सिर्फ एक पत्थर है, तुझे इसलिए चूमता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। इससे भी बढ़कर एक दलील सुनो, 317 हिजरी से लेकर 339 हिजरी तक यानी 22 साल तक हजरत सद खाना काबे में नहीं था, बल्कि वो मकाम है जो मक्का से 6 मील दूर है, वहाँ था उसका कुत्ता इशारा कर गया था। देखो मालूम अब हुए ना बात, हे बलवा, ये पंडित जगह ठोक बजा के दे, ये हमारा खैर से हिंदू हो जाओ। देखो मालक, तुम्हारी बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है। खैर ये बतलाओ कि आपको हिंदू धर्म का भी कुछ ज्ञान है? यदि अगर आप कुछ जानते हो तो बताओ, आपकी बात में सच्चाई की मधुर शपथ है। पंडित जी, आपने ब्रह्मा जी का ज्योतिष किया और साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ दिया, इन दोनों में कोई जोड़ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी अजदा मत है, मगर नस्ल इंसानी के एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से है। और उसके बदला आपका चार और आपका ब्रह्मा उसका चार और हकीकत में सुनाया खाना का कुछ नहीं। ये तो केवल मेरे के अंदर की है, ये तो हमारा अपना बाजी मारा हमारा निशान है। पंडित जी अपना ना, ये सच्ची कथा है। सुनो, ब्रह्मा की वजूद पर ब्रह्मा ने वेद के रचाए तमाशा करती फिर रही है। ये जो वेद ने ब्रह्मा को खुदा बन लिखा है, मगर पंडित दयान तफसील की इसको नहीं मानते हैं। कहीं वेद ने खुदा बनता है तो कहीं इंसान, कहीं अन्य का बच्चा, भला ऐसा भी कहते तुम्हें? वही खुदा वही इंसान वही अन्य का बच्चा वही कबर का खुदा बनता है। और हमारे शिवलिंग की लंबाई यहाँ नहीं। अरे 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 अरे, ये दिमाग कैसे काम करे? आप मुझे नन्हे बालक में आपसी में डाल दिया। पंडित जी, आपके भ्रमा आपके आपके